ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल में आया था 2015 में। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए एच टू बी एच टू सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो। पहली चीज़ तो आप यहाँ देख रहे होगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, किसका फॉर्म बन रहा है, स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो हमारा जो हमने 10th 12th में जो क्वेश्चन पढ़ा है वो ये पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में एक हमारा दोनों स्क्वायर प्लस में आता है और या फिर ए माइनस बी के फॉर्म में आता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन होते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन में से कोई एक लगेगा, अब यहाँ पे कौन सा लगेगा ये हमें देखना है। तो देखो आप ए भी है, यहाँ भी देखो ए भी आ रहा है और ए प्लस बी भी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे बट निगेटिव का साइन है और यहाँ भी निगेटिव का साइन है, मीन्स निगेटिव यूज होगा। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस टू चाहिए। ठीक है, और ये अगर यहाँ पे माइनस टू चाहिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस टू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरे इक्वेशन को जब आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कुछ इक्वेशन बन जाएगी कुछ ये ऐसे। ठीक है, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और हमारी इक्वेशन जो आ जाएगी वो कुछ ये आ जाएगी, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो हमारे पास टू ए बी आ गया बट यहाँ पे क्या है, टू ए स्क्वायर है तो हमें दिक्कत नहीं है, टू ए स्क्वायर है तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिकम्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो और एक ए स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो आप अगर देखेंगे तो क्या है, देखो एक ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ये अगर हम ले लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका। दूसरा हम देखेंगे क्या, अगर हम दूसरा देखें तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर। ठीक है, एक और अगर हम बात करें प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ आ रहा है तो हम ये नहीं लेंगे, ए स्क्वायर सी के साथ आप ले लो क्योंकि हमारे पास टू सी ए है, तो ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए, एक ये हम ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा प्लस का साइन रख के ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, एक और बचा हमारे पास, है ना, एक और बचेगा, अब वो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचा है, देखो ये बी बचा है, बी बचा है, सी बचा है और नीचे भी हमारे पास बी सी बचा है। ठीक है, नीचे भी हमारे पास ये सी था, यहाँ पे नीचे भी बी सी बचा है, तो क्या बच जाएगा, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कभी भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अगर जेड स्क्वायर अगर ज़ीरो होता है तो एक्स भी ज़ीरो होगा, वाई भी ज़ीरो होगा, जेड भी ज़ीरो होगा, तभी जाके इक्वेशन ज़ीरो होगी। ओके, तभी जाके इक्वेशन ज़ीरो होगी। तो अगर हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अगर ज़ीरो है तो देखो ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो होगी, ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो होगी एंड ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, तभी जाके इक्वेशन ज़ीरो के बराबर आएगा, डैट मीन्स ए माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या आ गया, बी, बी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से बी आ गया इक्वल्स टू सी। ठीक है, और सी माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से आ गया क्या, सी इक्वल्स टू ए। अब यहाँ से देखो ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू, दैट मीन्स ए इज टू बी इज टू सी, क्या आ गया, वन इज टू वन इज टू वन, ये आ गया आपका आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन विल बी